हेलो बच्चों, वेलकम टू विनिंग स्टडी पॉइंट ई क्लासेस। पिछले क्लास में हमने साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, और उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। सेकेंड पॉइंट के अंदर हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर स्टार्ट किया था, जिसमें से हमने इसका पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया था, मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैंने पिछली वीडियो में ये कहा था कि हम ये तीनों पॉइंट डिस्कस करेंगे, पर वो वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से हमने आगे कंटिन्यू नहीं किया। आज हम इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके अलावा भी और भी पॉइंट्स को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे लिए जो पहला टॉपिक बनेगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। हिंदी में इसे कहते हैं पदार्थ के कणों के अभिलांछनिक गुण। तो पदार्थ के कणों के अभिलांछनिक गुण आज हमें यह समझना है, तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और ये हमारे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। जिसमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हिंदी में बात करें तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। स्पेस मतलब रिक्त स्थान, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये पहला आपका क्या नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो लगातार मूव करते हैं, यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये थोड़ा हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सही रहे, इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी में भी बताते जा रहा हूं, ठीक है। और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके। पहला है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, और तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हिंदी में बात करें तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा पहला पॉइंट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब आप देखिए कि दुनिया के जितने भी मैटर हैं, ठीक है, दुनिया में जितने भी मैटर हैं, सबके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। अब हम कहें कि हम अपने अर्थ के ऊपर जितने भी मतलब मैटर देखते हैं वो कितने स्टेट में देखा जाता है, कितने स्टेट मतलब हिंदी में कहें तो कितनी अवस्थाओं में देखा जाता है, तो वो सिर्फ तीन अवस्थाओं में हम देख सकते हैं फिलहाल। वो है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ लोगों ने सुना होगा कि दो स्टेट्स ऑफ मैटर और होते हैं, और वो कौन से दो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं वो हम इस चैप्टर के एंड में समझेंगे, ठीक है। फिलहाल हम जो सबने सुना है, ठीक है, वो ये तीन स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये तो सबने सुना होगा, आप सबने भी सुना होगा कि कितनी तरह की चीजें होती है, वह तीन तरह की, या तो वो सॉलिड होते हैं, या तो वो लिक्विड होते हैं, या तो वो गैस होते हैं। हिंदी में कहें तो या तो वो ठोस होते हैं, या तो वो द्रव होते हैं, या तो वो गैस होते हैं। ठोस, द्रव या गैस, इंग्लिश में कहें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीन स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। अब मेरा कहना क्या है, मेरा कहना है कि दुनिया के चाहे जितनी भी चीजें हैं वो उन सब के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है,
पहले तो हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि जितने भी मैटर है दुनिया में वो सब पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स से मिलकर बना है, मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ में ये वाइट बोर्ड पेन है, मार्कर है, तो मैं कहूँगा कि ये भी बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ठीक है। और दुनिया के आसपास आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती हैं। ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। अगर हम एक सिंगल पार्टिकल को देखने की कोशिश करें, एक सिंगल क्या, आप 1000 पार्टिकल्स को भी एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तो शायद वो नहीं दिखेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक बारिश की बूंद में 10^21 पार्टिकल्स ऑफ वाटर होते हैं, तो ये हम सोच सकते हैं कि एक पार्टिकल कितनी छोटी चीज होती है, ठीक है। तो दुनिया में जितनी भी चीजें हैं बहुत सारे मिलियंस ऑफ मतलब पार्टिकल्स से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब आप बोलोगे सर आप तो गलत बोल रहे हो, अब मेरे पास कोई सॉलिड है, मेरे पास एक मान लो एक लोहे का टुकड़ा इतना बड़ा, मैं कहूंगा उसके बीच में कहाँ है स्पेस, या मैं कहूंगा कि आपके सामने आपकी दीवार है, ठीक है ना, आपके रूम की दीवारें हैं, वॉल्स हैं चारों तरफ, मैं कह रहा हूं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, आप कहोगे सर आप पागल हो, इनके बीच में स्पेस कहाँ है, अगर स्पेस होता तो हमें इसके पार दिखाई देता, ठीक है, कि अगर इनके बीच में स्पेस होता तो हमें इसके पार दिखाई देता, पर हमें इसको हमें तो इसके पार दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि हम मानते हैं कि इसके बीच में स्पेस नहीं है, पर इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। वो स्पेस कैसे होता है अब हम उसी बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास तीन स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, कोई भी मैटर जो होता है हमें इन तीन स्टेट में मिलता है, या तो वो सॉलिड में मिलता है, या तो वो लिक्विड में मिलता है, या तो वो गैस में मिलता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इनके बीच में स्पेस होता है तो कितना होता है, और क्या वो दिखता भी है स्पेस, या पता चलता है या नहीं चलता है। तो हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में स्पेस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना, नेग्लिजिबल यानी ना के बराबर। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर, कि इनके बीच में ना के बराबर स्पेस होता है, बिल्कुल मतलब होता है पर वो इतना कम होता है कि हमें दिखाई नहीं दे सकता, और हम कहते हैं उसे कि वो ना के बराबर है, ठीक है। तो इनके बीच में स्पेस है, अगर मैं बना रहा हूं यहां पर आपको शायद दिखे, तो इनके बीच में स्पेस है पर ना के बराबर, ठीक है, इनके बीच में ना के बराबर स्पेस होता है, ठीक है। ये तो मैंने एग्जांपल के तौर पे बनाया है, ये तो पार्टिकल्स की बात करें तो वो उनके बीच में दिखेगा ही नहीं कुछ भी, ऐसा लगेगा कि वो आपस में एक दूसरे से टच है, पर वो पूरी तरह से एक दूसरे से टच नहीं होते, ठीक है। उनके बीच में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ स्पेस हमेशा होता है, ठीक है। पर जो लिक्विड होते हैं ना उनके बीच का स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, और जो गैस होता है ना उसके बीच का स्पेस सबसे ज्यादा होता है। गैस के पार्टिकल्स, और जरूरी नहीं है मैंने इसे लाइन से बनाया तो लाइन से होगा, ये रैंडम कहीं भी होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है, ये रैंडम होते हैं कहीं भी, ठीक है, और इनके बीच का स्पेस जो होता है बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड के बीच में, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, पर होता है, ऐसा नहीं है कि इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, हमें दिखाई नहीं दे रहा इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें स्पेस नहीं है, वो स्पेस वहां पे है पर वो नेग्लिजिबल अमाउंट में है, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अगर नेग्लिजिबल स्पेस भी है तो हमें नेग्लिजिबल आर पार दिखना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। आप खुद ही सोचें कि वो कोई भी चीज हमारी सॉलिड है तो वो सिर्फ एक लेयर ऑफ एटम की नहीं बनी हुई है, ठीक है, उसके अंदर मिलियंस ऑफ लेयर्स है, और मान लो अगर किसी एक लेयर में इधर स्पेस खाली है, उसके पीछे वाले लेयर में वहां पे कोई एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, तो वो सारे स्पेस कवर हो जाते हैं आगे पीछे, तो इसलिए हमें सॉलिड में आर पार कभी दिखाई नहीं देता। फिर लिक्विड में थोड़ा स्पेस होता है, और गैस में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, इसलिए आप गैस में अपने आसपास देख सकते हैं, ठीक है। आप अभी जिस रूम में बैठे हैं, जहां बैठे हैं वहां एयर है, ठीक है, एयर में हर तरह की गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ठीक है, और भी बहुत सारी गैस आपके एनी टाइम मतलब आपके रूम में प्रेजेंट है, नाइट्रोजन एंड एटसेट्रा, बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है आपके रूम में, तो आप देख सकते हैं आपके क्लियरली आप इन
के थ्रू चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनके बीच में बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है, ये बात समझ में आ रही है। अब इसको एक्सपेरिमेंट द्वारा समझा जाता है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। इसको आपको बोल भी सकता है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताओ कि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। तो आप कैसे बताएंगे? तो आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर क्या किया है, आपको एक गिलास पानी लेना है, ठीक है, और पानी में आपको शुगर डालना है। क्या डालना है? शुगर। आपने 100 ml पानी लिया और आप इसमें एक चम्मच चीनी डालेंगे और चीनी डाल के इसे मिला देंगे, ठीक है। चीनी डाल के आप इसको मिला देंगे, तो मिलाने के बाद आप क्या देखेंगे कि आप खुद ही बताओ आप क्या देखेंगे, ठीक है। चीनी आपने पानी के अंदर डाला और उसको ऐसे घुमा दिया, तो उसके बाद चीनी क्या क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे चीनी गायब हो जाती है, यानी चीनी घुल जाती है, ठीक है। हमें उसके अंदर घुमाने के बाद चीनी दिखाई नहीं देती, वो उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है पूरी तरह से, ठीक है, और वो हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या इससे इसके बाद घुलने के बाद पानी का अमाउंट बढ़ता है? तो आप ये भी कहेंगे कि नहीं, आप चेक करके देखना। तो चेक करेंगे तो एक चम्मच चीनी डालने के बाद हम देखेंगे वो 100 ml का 100 ml ही है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ता। इसका मतलब क्या है कि ये चीनी कहाँ गई फिर, जब ना उसका वॉल्यूम बढ़ा, जिस पानी में हमने इसको डाला उसका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा और चीनी भी गायब हो गई, ना ही उसने उसका वॉल्यूम बढ़ाया और गायब भी हो गई, तो ये गई कहाँ? तो ये कहाँ जाती है, ये चीनी इन वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना, वो उनके बीच में चली जाती है, ठीक है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो जब हम इसको घुमाते हैं चीनी को, उसके अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो चीनी के जो आपके बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं वो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, ठीक है। वो चीनी के छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और वही पार्टिकल्स इन स्पेस में जाके बैठ जाते हैं जहां पे ये स्पेस यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, वहां पे जाके ये चीनी के पार्टिकल्स बैठ जाते हैं हर जगह, ठीक है। तो जिस वजह से वो चीनी उसके अंदर घुल जाती है और हमें दिखाई नहीं देती, तो कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। पार्टिकल्स जो होते हैं चीनी के छोटे छोटे, वो इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके बैठ जाते हैं, इसलिए वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात से ये बात प्रूव हो जाती है कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है। और गैस में भी आप देखते हैं भाई, आपके रूम में एयर है, ठीक है, और उस एयर के अंदर आप कोई भी दूसरी गैस डिसॉल्व कर देते हैं तो वो आराम से डिसॉल्व हो जाती है। अगर आपके आसपास कोई परफ्यूम छिड़कता है वो भी उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, और कोई भी तरह की फ्रेग्रेंस होती है वो आपके गैस के अंदर आराम से घुल जाते हैं, क्योंकि उसके बीच में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, ठीक है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि सॉलिड के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, इसलिए चीजें सॉलिड में सबसे कम घुलती हैं। अच्छा, घुलने से एक बात याद आया कि एक यहाँ पे और वर्ड है जिसको आपको समझना है, जिसे हम कहते हैं डिफ्यूजन, हिंदी में कहते हैं विसरण, ठीक है। इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है, डिफ्यूजन यानी कि विसरण। क्या होता है डिफ्यूजन यानी कि विसरण? डिफ्यूजन का मतलब होता है द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है ना, या इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स, ठीक है, टू और मोर पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। कि दो या दो से ज्यादा अलग अलग तरह के मैटर के पार्टिकल्स जब आपस में मिल जाते हैं अपने आप, तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे आपने, मैंने यहां पे चीनी वाला आपको एग्जांपल दिया कि आपने पानी के अंदर चीनी डाला और उसको चम्मच से घुमाया, चम्मच से घुमाए रहे आप, यहां पे घुमा रहे तब जाके घुल रही है। तो क्या अगर आप चम्मच को नहीं घुमाएंगे तो क्या चीनी नहीं घुलेगी? तो चीनी तब भी घुलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम घुमाएंगे नहीं तो चीनी घुलेगी नहीं, चीनी तब भी घुलेगी, बस उसके घुलने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेट हो जाएगा, मतलब वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ज्यादा समय के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। तो
डिफ्यूजन, उसी को कहते हैं डिफ्यूजन। जब चीजें आपस में अपने आप मिल जाती हैं तो उसे डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे आपके रूम के अंदर जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट है, ठीक है, और उन गैसेस को क्या आपने चम्मच से मिलाया है? नहीं, वो तो अपने आप मिली है ना। या आप कोई नई गैस भी उसके अंदर मतलब प्रोड्यूस करते हैं कि अगर जैसे आपने परफ्यूम छिड़का तो वहां पे नई गैस, एक नई फ्रेग्रेंस आ गई, तो क्या उसको आप मिलाने के लिए कुछ करते हैं उसके अंदर? तो नहीं करते हैं, वो गैस अपने आप मिल जाती है। तो वो भी एक तरह का डिफ्यूजन है कि जब चीजें आपस में अपने आप मिल जाती हैं तो वो एक तरह का क्या होता है? डिफ्यूजन। जैसे आपने एक ग्लास में पानी लिया, एक में दूध लिया और आपने दूध में पानी डाल दिया, तो क्या दूध में पानी डालने के बाद आपको चम्मच से मिलाने की जरूरत होती है? तो नहीं, वो अपने आप मिल जाता है। तो जब चीजें अपने आप आपस में मिल जाती है उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। और ये बात अभी हम थोड़ी देर में और करने वाले हैं, डिफ्यूजन को हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, जब हम सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। फिलहाल तो मैं बस आपको ये बता रहा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उसमें ये बात आ गई इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो मैंने आपको इस बारे में बता दिया। तो आप यहां पे एक चीज देख सकते हैं, हम उसको बाद में भी डिस्कस करेंगे, कि डिफ्यूजन जो है सॉलिड में बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। अच्छा, यहां पे भी एक कंफ्यूजन रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन होता ही नहीं है, पर ऐसा नहीं है। सॉलिड में डिफ्यूजन होता है पर वो बहुत स्लो होता है, बहुत कम होता है। लिक्विड में डिफ्यूजन होता है, थोड़ा ज्यादा होता है सॉलिड से। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है? गैस में। गैस में आप कुछ किसी भी चीज को आराम से डिफ्यूज कर लेते हैं, उसके लिए हमें कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। लिक्विड में होता है अपने आप डिफ्यूजन, पर थोड़ा स्लो होता है। सॉलिड में भी होता है, बहुत स्लो होता है, ठीक है। सॉलिड का डिफ्यूजन को का एग्जाम्पल आप कैसे दे सकते हैं? सॉलिड का डिफ्यूजन का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब आप स्कूल में, आप अपने स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं, तो और अगर आप उस चौक को जो आपने लिखा है उसमें, ठीक है, उसको 10-15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं आपका लॉकडाउन चल रहा है, अगर मान लो लॉकडाउन से पहले आपके बोर्ड पे कुछ लिखा गया हो स्कूल के ब्लैक बोर्ड पे, अब लॉकडाउन के बाद अब जब आप अपने स्कूल जाएंगे और उसको मिटाने की कोशिश करेंगे ना, तो उसको मिटाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि वो जो वाइट चौक है वो उस ब्लैक बोर्ड में उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम उसके अंदर डिफ्यूज हो जाएगा वो, ठीक है, और डिफ्यूजन होने की वजह से उसको मिटाना फिर आसान नहीं होता। आप ये खुद एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि कहीं पे कुछ लिख दो, किसी ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख दो और उसको बहुत दिनों बाद, 10-15 दिन बाद मिटाने की कोशिश करो, तो वो आसानी से नहीं मिटता, ठीक है। चाहे आप व्हाइट बोर्ड पे भी मार्कर से लिख के 10-15-20 दिन बाद मिटाने की कोशिश करोगे तो इतनी आसानी से नहीं मिटेगा जितना अभी आसानी से मिट सकता है, तो वो इसके अंदर डिफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। या दूसरा एग्जाम्पल मैं दूं कि दो मेटल ब्लॉक को आपस में जोड़ के बाइंड करके बांध दो, ठीक है, और उसको बहुत समय बाद खोलो, जब आप खोलेंगे ना तो वो आपस में चिपक चुके होंगे, ठीक है। इसका भी कारण यही है कि इसके पार्टिकल जो होते हैं आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूज होने की वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिड में डिफ्यूजन का एग्जांपल हो गया। बाकी लिक्विड और गैस में तो आपको नॉर्मली आपने देखा ही है, किसी भी दो चीज को आप मिलाते हैं तो वो डिफ्यूज हो ही जाते हैं, ठीक है। तो डिफ्यूजन के बारे में हम वैसे भी आगे पढ़ने वाले हैं, तो फिलहाल हमें ये पढ़ना था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये बात हमने कर ली कि दुनिया में जितने भी मैटर हैं सबके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और उसी स्पेस की वजह से चीजें उसके अंदर डिफ्यूज होती हैं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तो हमारा सेकेंड पॉइंट, सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर है वो ये है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, यानी कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो लगातार मूवमेंट करते हैं, लगातार गति करते हैं, लगातार हिलते रहते हैं, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है? आप फिर से कहेंगे कि भाई जो सॉलिड है वो तो हमें हिलते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि मतलब अब फिर से सॉलिड लिक्विड गैस तीन तरह के हमारे मैटर होते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि
पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो लगातार हिलते रहते हैं। आप कहेंगे कि ये मेरे पास सामने एक सॉलिड रखा हुआ है, ठीक है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो तो मुझे हिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर वही है जो अभी पिछले क्वेश्चन का हमारा आंसर था कि भाई सॉलिड के बीच में स्पेस दिखाई नहीं दे रहा था पर उसके बीच में नेग्लेजिबल स्पेस था। वैसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स मूवमेंट करते हुए दिखाई नहीं देते पर उनके बीच में नेग्लेजिबल मूवमेंट होती है। अरे आप खुद सोचो कि जब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं होता, मतलब स्पेस ही नेग्लेजिबल होता है, तो मूवमेंट भी नेग्लेजिबल होगी। अगर आप लोग कभी आप लोगों ने डीटीसी बसों में सफर किया हो या अगर आप लोगों ने दिल्ली के मेट्रो में राजीव चौक पे कभी आप चढ़े हो तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि जब स्पेस नहीं होता है तो मूवमेंट भी नहीं होती है। जब आप राजीव चौक में चढ़ते हैं मेट्रो में, या अगर आप लोग दिल्ली के स्टेट बाहर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप, मैं नहीं कह सकता पर जो दिल्ली वाले बच्चे हैं वो इस बात को अच्छे समझ सकते हैं कि जब वो राजीव चौक में मेट्रो में एंटर करते हैं तो वहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप लोगों को अपने हाथ पैर हिलाने का भी जगह वहाँ पे नहीं मिलेगी। वही बात यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि जब इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो वो हिलेंगे कहाँ से, ठीक है। तो ना के बराबर स्पेस है तो मूवमेंट भी ना के बराबर होती है, और ना के बराबर होने से की वजह से वही हमें हिलते हुए दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। कि नेग्लेजिबल स्पेस होने की वजह से उसमें मूवमेंट, पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट भी नेग्लेजिबल ही होती है, और नेग्लेजिबल मूवमेंट होने की वजह से वो हमें हिलते हुए दिखाई नहीं देते। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर आप मान लो आपको बोला जाए कि आप 10-12 दोस्त इकट्ठे हो जाओ और एक दूसरे के साथ एकदम चिपक के खड़े हो जाओ, और जो बीच में बच्चा खड़ा है उसको बोला जाए कि अपने हाथ पैर हिला के दिखा, तो आप कहोगे कैसे हिलाएं, ये सब तो मुझे घेर के खड़े हैं, एकदम मेरे से चिपक के खड़े हैं, मैं अपने हाथ कैसे हिला सकता हूँ। तो वही वाली बात है, ठीक है ना। जब पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होगा तो वो भी इसी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी बात आती है लिक्विड के बारे में। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए उनके उसके बीच में मूवमेंट भी आसान होती है, और मूवमेंट उसमें आसान होती है इसी वजह से उसमें चीज़ें डिजॉल्व हो जाती हैं। ये बात भी डिफ्यूजन से रिलेटेड है। अभी हमने डिफ्यूजन समझा था, तो डिफ्यूजन यहाँ पे भी अप्लाई हो जाता है कि जिसमें स्पेस ज़्यादा है, जिसमें स्पेस नहीं है तो उसमें जिसमें स्पेस मतलब ना के बराबर है तो डिफ्यूजन भी ना के बराबर है, और जिसमें स्पेस होता है थोड़ा तो उसमें डिफ्यूजन भी थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे कि लिक्विड के अंदर होता है। अब लिक्विड में भी भाई एक लिमिटेड डिफ्यूजन पॉसिबल है, जैसे कि हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया कि हमने 100 ml पानी में 1 चम्मच चीनी डाला, तो आप एक खुद सोचो कि हम इसके अंदर कितना चीनी डाल सकते हैं, ठीक है। क्या आप 1 गिलास पानी में 1 किलो चीनी उसके अंदर डिजोल्व कर सकते हो? तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके बीच में इतना स्पेस ही नहीं है, ठीक है, उतना स्पेस ही नहीं है। तो जितना इसके बीच में स्पेस होगा उतनी ही चीजें आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो वही बात आ जाती है मूवमेंट की, कि जितना ज्यादा मूवमेंट हो, जितना ज्यादा स्पेस होगा उतनी ज्यादा मूवमेंट होगी, ठीक है। अब लिमिटेड स्पेस होता है लिक्विड के बीच में, इसलिए उसमें डिफ्यूजन भी या पार्टिकल्स का मूवमेंट भी लिमिटेड ही होता है, ज़्यादा दूर तक मूवमेंट नहीं होती है, लिमिटेड मूवमेंट होती है। जैसे आप पानी को कहीं नीचे सरफेस पे गिरा देते हैं तो वो फ्लो करता हुआ कहीं तक पहुंच जाता है पर वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा सकता, ठीक है, एक लिमिटेड डिस्टेंस या फ्लो मतलब डिस्टेंस तक फ्लो कर सकता है। पर तीसरी बात जहाँ हम गैस की करते हैं, आपको पता है गैस के बीच में बहुत स्पेस होता है, ठीक है, गैस के बीच में बहुत स्पेस होता है, इनके बीच में फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगता पार्टिकल्स के बीच में, जिसे हम कोहेशन कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो इनके बीच में कोहेशन होता ही नहीं है, और कोहेशन ना होने की वजह से पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, ठीक है, और दूर दूर होने की वजह से पार्टिकल दूर दूर मूव भी करते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल्स जो होते हैं इसके दूर दूर मूव करते हैं क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। इसीलिए आप खुद सोचें, आप गैस में गैस के पार्टिकल्स की मूवमेंट के बारे में सोचें, तो अगर आप कहीं पे अगरबत्ती जलाते हैं, ठीक है, आप जैसे पूजा करते हैं या कुछ भी, तो उसमें आप अगरबत्ती जलाते हैं,
अगरबत्ती आपने किसी घर के एक कोने में जलाते हैं तो वो पूरे कमरे में या पूरे रूम मतलब आसपास कमरे से बाहर भी फैल जाती है उसकी खुशबू, ठीक है। तो उसका कारण यही है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत होता है और पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं गैस के, ठीक है। गैस के पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, इसी वजह से वो गैस जो होती है दूर दूर तक फैल जाती है, जहां तक भी जा सकती है, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि भाई आपके घर में खाना बनता है और किसी दिन आपका कुछ फेवरेट खाना बन रहा हो, तो किचन में खाना बन रहा है पर आपको अपने आपके रूम तक उसकी स्मेल आ जाती है और आपको पता चल जाता है कि आज शाम को मजा आने वाला है, आज हम अपनी फेवरेट डिश खाने वाले हैं, ठीक है। तो वो इस वजह से ही पता चल जाता है आपको अपने कमरे में बैठे बैठे, क्योंकि वहां से पार्टिकल मूव करके आपके कमरे तक आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। तो ये सारी चीजें इसी बात का एग्जाम्पल है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, तो मूव कर रहे हैं इसलिए तो पार्टिकल किचन से निकल के आपके कमरे तक आ पाए, ठीक है। गैस के पार्टिकल सबसे ज्यादा मूव करते हैं इसलिए वो इतनी ज्यादा दूर दूर तक ट्रेवल कर पाते हैं, लिक्विड थोड़ा कम कर पाता है और सॉलिड ना के बराबर कर पाता है। तो वही बात यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है जिसके अंदर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस बारे में भी हम इसी दो पीछे हमने जो दो बात पॉइंट्स पढ़े उन्हीं से हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पहले आप बात ये खुद सोचिए अपने दिमाग में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में अट्रैक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आप सोचेंगे कि भाई इसमें हमें क्या सोचना है, तो आप ये सोचें कि अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में अट्रैक्ट नहीं करते तो क्या दुनिया में कोई चीज पॉसिबल होती, मतलब दुनिया में कोई चीज बन पाती? तो इसका आंसर है ना, ठीक है। कि अगर बीच में इनके पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं होता तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट बन ही नहीं पाता, ठीक है। हम अपने आसपास जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं, चाहे वो एक सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, वो इसी वजह से मतलब हमें दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। एक एक पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आपस में जोड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो चीज इतनी बड़ी होके हमें दिखाई दे पाती है। जैसे कि हमने बात की हुई है इस बारे में कि जो मतलब पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। अब जब ये आंखों से दिखाई नहीं देते तो भाई ये चीजें बना कैसे पा रहे हैं, क्योंकि ये एक एक पार्टिकल्स आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। एक एक पार्टिकल जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है और फिर मिलियन बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स आपस में ऐसे ही जुड़ जाते हैं और जैसे जैसे जुड़ते हैं वो हमें दिखाई देने लग जाता है, यानी बड़ा हो जाता है और किसी मैटर का वो फॉर्मेशन करता है। तो आप खुद ही सोचेंगे कि जब एक एक पार्टिकल जुड़ेगा तभी वो चीज पॉसिबली बन पाएगी और वो हमें दिखाई देने लगेगी, ठीक है। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो अट्रैक्ट नहीं करते तो दुनिया में कोई भी मैटर मैटर जो है पॉसिबल नहीं होता, किसी भी चीज को बनाना पॉसिबल नहीं होता। पर ये पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि आपस में मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है इनके बीच में, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में, इनको बोला जाता है कोहेशन। क्या बोला जाता है? कोहेशन हिंदी में कहते हैं, या कोहेसिव फोर्स भी कह सकते हैं हम इनको। कोहेसिव फोर्स इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, हिंदी में कहते हैं संसजक बल। संसजक बल, ठीक है। कोहेसिव फोर्स यानी कि संसजक बल, ठीक है। इन पार्टिकल्स के बीच में संसजक बल यानी कोहेसिव फोर्स होता है। अब फिर से हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर है उनमें कोहेसिव फोर्स किसमें ज्यादा होता है या किसमें कम होता है। तो इस बारे में आप देख के साफ साफ बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कोहेसिव फोर्स होता है वो सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में और सबसे कम
गैस में। अरे पार्टिकल्स को एक दूसरे को आपस में पकड़ने की, बाइंड करने वाली बात है, ठीक है। तो आप खुद ही सोच रहे सकते हैं कि भाई जब हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं, उनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, इसलिए वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते। अगर आप लोग एक दूसरे को बहुत टाइटली पकड़ ले, अगर आप हैं और आपके दोस्त हैं बहुत सारे, एक दूसरे को बहुत टाइटली एक दूसरे को पकड़ ले, तो कोई कहीं जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके बीच में एक फोर्स लग जाएगा, ठीक है। वही फोर्स इनके सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में भी वैसा ही एक फोर्स होता है, ठीक है, कि इनके पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं। इसका कारण ये है कि वो एक दूसरे को बहुत ही एक पावरफुल फोर्स से एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। लिक्विड में वो कोहेसिव फोर्स जो होता है थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठीक है। और सबसे कम कोहेसिव फोर्स जो होता है वो गैस के बीच में, गैस के पार्टिकल्स के बीच में होता है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल ही मतलब बहुत ही कम कोहेसिव फोर्स होता है, जिसकी वजह से गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जा सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और इसी वजह से सॉलिड, लिक्विड और गैस हमें तीन स्टेट में दिखाई देती है। जब अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स पास पास जाते हैं, और पार्टिकल्स के पास आने की वजह से वो सॉलिड बन जाता है, ठीक है। जब पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स एक दूसरे से, उसके बाद तो क्या बन जाता है, लिक्विड। और जब पार्टिकल्स बहुत दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, कोहेसिव फोर्स और कम हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, गैस। इसके बारे में हम थोड़ी देर में फिर से बात करेंगे जब हम वाटर के बारे में बात करेंगे। कि आप खुद सोचें, वाटर तीनों स्टेट में पाया जाता है, वो सॉलिड भी होता है जब आप वो बर्फ बन जाता है, लिक्विड में तो आप उसको देखते ही हैं, और गैस कब होता है, जब आप उसको गर्म करते हैं, पानी को जब आप गर्म करते हैं वो भाप बन जाता है, उड़ जाता है। तो आप वो सोचे कि उस टाइम जब वो सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम हो रहा है, लिक्विड है तो बीच मतलब जितना है वो तो है ही, और गैस जब बन रहा है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ता जा रहा है, और उनका जो कोहेसिव फोर्स है वो टूटता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने ये सारे तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को समझ लिया है, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिजिड एंड फ्लूड। रिजिड एंड फ्लूड क्या होते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं दृढ़, और इसे कहते हैं तरल, ठीक है। दृढ़ और तरल क्या होते हैं? रिजिड एंड फ्लूड। इसमें क्या होता है कि रिजिड, रिजिड कौन होते हैं भाई? तो रिजिड वो होते हैं जो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, या अनबेंडेबल होते हैं, ठीक है। जो अनबेंडेबल होते हैं या इनफ्लेक्सिबल होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिजिड, ठीक है। और फ्लूड कौन होते हैं? जो विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो। तो अगर हमसे पूछा जाए कौन होते हैं रिजिड, तो आप बोलेंगे कि दोज ऑब्जेक्ट विच हैव टेंडेंसी टू एक्वायर देयर शेप, ठीक है। जो अपने मेंटेन देयर शेप, की मतलब अपने शेप को जो एक्वायर करके रख सकता है बिना चेंज किए, उसे हम कहते हैं रिगिड, ठीक है ना। कि कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो वो अपने आप उसका जो है शेप चेंज नहीं होगा, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक रिगिड सब्सटेंस है, या रिजिड सब्सटेंस है। और हम फ्लूड किसे कहते हैं? जो अपने जो फ्लो कर सकता है, जो फ्लो कर सकता है और अपने शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। जैसे वाटर, आप वाटर को अगर पानी को कहीं पे गिराते हैं तो आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब भी वो बह के कहीं भी पहुंच जाएगा, ठीक है। वैसे ही गैस, आप कोई सी भी गैस ले ले तो उसको एक जगह पे प्रेजेंट रखेंगे आप, तो अपने आप फैल के
कहीं भी पहुंच जाएगा और उसकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती है, तो उन्हें हम कहते हैं फ्लूड। ठीक है, तो देखा जाए तो रिजिड कौन होते हैं हमारे, रिजिड बेसिकली हमारे सॉलिड होते हैं, सॉलिड ही सिर्फ रिजिड हो सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे फ्लूड होते हैं वो लिक्विड भी होते हैं और गैस भी, ये दोनों हमारे फ्लूड होते हैं। ठीक है, रिजिड के अंदर सिर्फ सॉलिड आता है, फ्लूड के अंदर लिक्विड एंड गैस आते हैं। ठीक है, अब सारे सॉलिड रिजिड होते हैं, इसका कारण यही है कि वो जितने भी सॉलिड होते हैं वो अपने शेप को मेंटेन रखते हैं, चेंज नहीं करते, वो इनफ्लेक्सिबल और अनबेंडेबल होते हैं। ठीक है, विदाउट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाते तब तक वो अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, अपने शेप को चेंज नहीं करते हैं। पर जो फ्लूड होते हैं आपके बिना फोर्स लगाए, बस आपको आप जिसको जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा, ऐसी चीजें जो होती हैं वो फ्लूड होती हैं। ठीक है, और किसी भी कंटेनर में डालने पे अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना शेप चेंज नहीं करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो रिजिड होता है। ठीक है, तो जितने भी सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं और जितने भी लिक्विड एंड गैस होते हैं वो फ्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, एक या दो तीन क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सॉलिड के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने बताया कि इसका इनफ्लेक्सिबल अनबेंडेबल होता है और हम कहें तो इसका शेप साइज वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, तो इसका शेप फिक्स होता है, फिर कह रहे हैं मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चीनी या नमक, ठीक है ना, जो सॉल्ट एंड शुगर जो भी है, अगर आप इनको किसी कंटेनर में डालते हैं वो तो उसका शेप ले लेते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि सॉलिड जो होते हैं उनको किसी भी कंटेनर में डाल दो वो अपने शेप में ही रहते हैं, उनका शेप चेंज नहीं होता। ठीक है, पर लिक्विड या गैस को किसी कंटेनर में डाल दो तो वो अपना शेप उस कंटेनर जैसा बना लेते हैं और इस वजह से वो फ्लूड होते हैं। ठीक है, पर अगर आप चीनी को डालेंगे किसी ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के शेप में आ जाएगा, और आप कटोरे में डालेंगे तो कटोरे के शेप में आ जाएंगे। ठीक है ना, जितने भी चीनी के दाने, तो क्या चीनी या नमक जो है वो सॉलिड नहीं है या रिजिड नहीं है, आपसे पूछा जाएगा, तो आप इस बारे में क्या कह सकते हैं? तो आप ये बोलेंगे कि भाई वो रिजिड है। ठीक है ना, वो रिजिड है। क्यों है रिजिड? क्योंकि आप खुद सोचें कि आपने अगर चीनी डाली है ग्लास के या मतलब एक बाउल में, ठीक है ना, एक बाउल के अंदर अगर आपने शुगर डाली है तो क्या सारे चीनी के जो दाने हैं जितने भी उसके क्रिस्टल्स हैं क्या सबका शेप जो है वो कटोरे जैसा हो जाता है? नहीं ना, उन सबका शेप कटोरे जैसा नहीं होता, उनका जो आउटर शेप है मतलब जिसमें जब डाला जाता है ना तो बाहर से देखने में वैसे लगते हैं, पर उनका खुद का शेप जो होता है वो उसी क्रिस्टल का रहता है। इंडिविजुअल पार्टिकल्स को अगर देखें, इंडिविजुअल क्रिस्टल को, तो उनका शेप चेंज नहीं होता। ठीक है, शुगर या जो सॉल्ट सॉल्ट है उनके इंडिविजुअल पार्टिकल का शेप वैसे ही रहता है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आता, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो रिजिड है एंड वो सॉलिड है। ठीक है, क्योंकि उसके इंडिविजुअल पार्टिकल के शेप में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, वो तो पूरा देखा जाए तो होल पूरा आप इस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, आपने बहुत सारे पार्टिकल डाले तो वो ऐसा शेप ले लेता है, पर उससे पार्टिकल का शेप तो चेंज नहीं होता ना, वो तो वैसे ही रहता है। अब बात करते हैं लिक्विड एंड गैस की, तो ये जिस भी कंटेनर में आप डालो तो वो वैसे ही शेप ले लेते हैं, इसलिए ये हमारे फ्लूड होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल कोई अलग अलग तो होते नहीं है, वो सब मिक्स होता है, तो इसलिए इनको हम फ्लूड कह सकते हैं। दूसरा एक मैंने आपको बताया कि ये अनबेंडेबल होते हैं, पर आपसे पूछा जाता है कि जो आपके पास रबर बैंड होता है तो आप रबर बैंड को क्या बोलेंगे? क्या आप उसको सॉलिड बोलेंगे? क्योंकि रबर बैंड को आप खींचते हैं तो वो अपने शेप चेंज कर देता है। ठीक है, तो क्या वो सॉलिड है या रिजिड है? तो भाई वो भी सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड होने का कारण क्योंकि जब आप उसको खींचते हैं तब आप उस पर फोर्स लगा रहे होते हैं। ठीक है, मैंने अभी बताया कि बिना फोर्स लगाए जब कोई चीज अपने शेप को चेंज नहीं करती उसे हम रिजिड कहते हैं। तो अगर आप रबर बैंड पे भी फोर्स नहीं लगाएंगे तब वो भी अपना शेप चेंज नहीं करेगा, और जब आप फोर्स लगाते हैं तो वो शेप चेंज करता है, पर जैसे ही आप फोर्स हटाते हैं वो अपनी शेप में वापस भी आ जाता है, इसलिए वो रिजिड एंड सॉलिड दोनों बोला जाएगा। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है,
ठीक है, ये एक फ्रेश टॉपिक हम जिसको पढ़ने वाले हैं, पर ये टॉपिक जो होगा वो थोड़ा लंबा जाएगा और इसके आगे भी हमें इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें करनी है, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।